ऑब्वियसली बहुत ही मुकेश परिवार की तरफ से यही कहना चाहूँगा कि हर साल की तरह ही इस साल भी हम बहुत बहुत ज़्यादा ही खुश हैं कि पप्पा का आगमन हुआ है, पप्पा आए हैं। और हर साल हम जैसे सोचते हैं कि अपने स्कूल जाकर, अपने बोर्डिंग स्कूल जाकर फिर वापस आए हुए हैं पप्पा, तो इस साल एक साल बाद वापस अपनी छुट्टी मनाने आए हैं। और मैं हमेशा मानता हूँ कि पप्पा जो हैं वो मेरे छोटे भाई के रूप में हैं, क्योंकि हम बहुत छोटे थे जब पापा से मेरी बड़ी बहन नेहा ने और मैंने जो है जिद की थी कि पप्पा को हम घर पे लेकर आएंगे और उनका उनकी सेवा करेंगे। तो जब पहले साल आए थे तो 1.5 दिन के गणपति पप्पा आए हुए थे, और 1.5 दिन हमारे लिए काफ़ी नहीं थे। काफी नहीं थे। और फिर अगले साल से हमने 10 दिन के सेलिब्रेशन में पप्पा, और ऑफ कोर्स फिर 11 दिन के पप्पा हमारे यहाँ पे घर पे आते हैं। और ये 11 दिन हमें लगता है जैसे 11 दिन की शादी है घर पे। इतने मेहमान आते हैं, हर देश विदेश से हमारी फैमिली आती है, और हमें बहुत बहुत खुशी होती है कि इन 11 दिनों के लिए मुकेश परिवार का घर जो है और दरवाज़े खुले रहते हैं, हमारे इतने तादाद पे हमारे मेहमान आते हैं, उसकी बहुत बहुत खुशी होती है। नितिन जी क्या कहना चाहेंगे आप? बस नील ने बताया आपको, हमारे घर पे सबका बहुत हार्दिक स्वागत होता है और हमारा पूरा जीवन, मुकेश परिवार का जीवन इनके इर्द गिर्द, गणपति बापा के इर्द गिर्द रहता है। नील ने ये भी बताया कि हमारे बच्चे मेरे बेटे की तरह हैं बापा, और यही भावना हमारी होती है कि यूनिवर्सिटी से 10 दिन की छुट्टी पे आए हैं, तो 10 दिन हमारे लिए काफ़ी नहीं होते। इनकी याद सारा साल रहती है, और जैसे ही इनका विसर्जन होता है, नील की मम्मी अगले साल का प्लानिंग करने लगती है। अब 31 साल ऐसी आदतें हो गई हैं कि सारे साल का हमारा जो प्लान है वो ये 10 दिन पे, ये 11 दिन, इस साल एक तिथि ज़्यादा है, तो इन दिनों पर आधारित है कि भाई हमें कुछ भी करना है, गणपति के 10 दिन हम सबको घर में ही रहना है और सबका स्वागत। मेरी मदर इन लॉ नील की नानी 90 साल की हैं, आप ख़ास तौर से आई हैं, और उनका आशीर्वाद हम पर यूं ही बना रहे, और मेरी बहनें, मेरा भाई और हमारे घर में जितने सदस्य हैं सब दूर दूर, मेरी बेटी कानपुर से आती है, मेरे जवाई, मेरे नाती सब कानपुर से आते हैं, और यहाँ पे एक 10 दिन का हमारे लिए जश्न हो जाता है। नील भाई 31वां साल है। इकतीस 31 ईयर्स। हर बार क्या मांगते हो आप? इस बार क्या कुछ खास मांगा है? हर बार मांगना तो मेरा हक है, और मैं ये अपना मानता हूँ कि अगर इनसे नहीं मांगा तो किससे मांगा। बड़े एक बड़े भाई के रूप से मैं अपने छोटे भाई से तो मांग ही सकता हूँ, और क्योंकि मैंने कहा कि मैं अपने परिवार का सदस्य मानता हूँ। बट बिना मांगे ही बहुत देते हैं, और वाकई में इनका आशीर्वाद मुकेश परिवार पे हमेशा बना रहता है। बस उम्मीद करता हूँ और इतना ही मांगता हूँ कि खुशी बनी रहे, हम सब खुश रहें, सबका किस का स्वास्थ्य जो है, सबके हेल्थ, और हमारे क्योंकि कलाकार हैं हम सब, तो हमारी कला के ऊपर उनकी नज़र हमेशा बनी रहे, और पब्लिक के लिए हम मेहनत करते रहे और आगे बढ़े। जी जी